हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल नीलम शर्मा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, तो कल हमने बनाई थी टिक्की और आज हम बनाने वाले हैं मोमोज। तो देखिए, आज हमारे मोमोज की भी तैयारी बिल्कुल जो है, आइए देखिए जो लगी रखी है। और ये हमारा बुरादा सोयाबीन का। तो चलिए बिना देर करते हुए तैयारी करते हैं। पर दोस्तों, अभी लाइट आ नहीं रही है तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, ये बैठ के बनेंगी ना इसलिए। तो चलिए फिर कोशिश करते हैं इसे भी बनाने की। अब इनकी सुबह दोस्तों, भाई कह रहा था, खाना स्कूल गया है ना, तो बोल रहा था कि मैं स्कूल से आऊँ मम्मा, तब तक मेरे को मोमोज रेडी मिलने चाहिए। तो अभी वो स्कूल गया है और घर से सभी सो रही है, तो काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा, वरना फिर बच्चे परेशान करते हैं कि मैं बनाऊंगी कहती है कशिश, तो इसलिए काम लेट हो जाता है। तो हमने जब ये भिगो दिया था तो मैं इसे निचोड़ रही हूँ, फिर इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड करूंगी सारे। तो गाइस, हमारी लाइट भी आ चुकी है और मैं फटाफट से अपना तामझाम लेके अंदर आ गई। बस इसमें प्याज रह गया था जो मैं डाल रही हूँ, और हरी मिर्च मैं डाल नहीं रही क्योंकि फिर बच्चे खाते हैं और उनके मुँह में अचानक से हरी मिर्च चली जाए तो वो खा भी नहीं पाएंगे ना, फिर वो खाते ही नहीं है, बोलते हैं तुमने मिर्च डाल दिया। तो इसलिए मैंने हल्की ही लाल मिर्च डाली है और सारे मसाले ऐड कर लिए, नमक वगैरह, और प्याज काट के डाल दी छोटा छोटा सा। तो ये हो जाएगा हमारा बुरादा तैयार। गाइस, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मोमोज कितने पसंद है। और दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है आप सभी के प्यार की। दोस्तों, बिल्कुल रेडी तभी तो काम जल्दी हो जाएगा। कशिश सो रही है ना, तो फटाफट से बना रही हूँ, वरना कशिश ना मम्मी मैं बनाऊंगी। तो अभी हम बनाएंगे छोटी छोटी लोइयां इसकी। ये तो मैंने काफी देर से भिगो दिया था और करीबन हो गए 2 घंटे, और इसको भी मैदा लगाई हुई भी हो गए 2 घंटे। तो हम छोटी छोटी लोइयां कट करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी। वैसे तो मेरे को कैर अपने खाने के लिए बनाने हैं पर फिर भी मैं ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि छोटे छोटे ज्यादा अच्छे लगते हैं ना देखने में। और काना भी जब स्कूल से आएगा तो मोमोज देखते ही खुश हो जाएगा, बोलेगा वो मम्मा, क्योंकि सुबह बोल के गया है कि मेरे को तैयार मिलनी चाहिए। मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया उसको स्कूल जाने के बाद। सब लोग बोलते हैं क्या काम है घर में यार, बच्चा स्कूल चला जाए उसके बाद ऐसा लगता है फटाफट से कुछ मत करो, सिर्फ काम करके खत्म कर लो। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ छोटी छोटी मोमोज के लिए, और इधर हमारे काना के पापा लगे हुए हैं भरने के लिए। हम दोनों ऐसे ही बनाते हैं मोमोज,
कि मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ और फिर मैं बेलती हूँ और कान्हा के पापा भर देते हैं। यार काम बहुत जल्दी हो जाता है। कान्हा के पापा पटला लेके आऊँ? कैसे बैठे आप? ऐसे ही ठीक हो? चलो ठीक है, तो फटाफट फटाफट से बना लो, भाई आने ही वाला है, उसका टाइम हो चुका है, खुश हो जाएगा देख के। ठीक है, और इधर हमारी कजिन भी उठ चुका है, उसको पता चल गया मैं मोमोज बना रही हूँ, क्योंकि मैं तेज तेज बोल रही थी ना, तो इसीलिए उसको पता चल गया। एकाशी हाय बोलो। ए बोल दो, अरे बोल दे भाई। वो अभी शर्मा रहा है। दोस्तों अभी मेरी सिलाई भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो मेरे को सिलाई भी करनी है यार, बहुत ज़्यादा ही काम है। तो गाइस ये देखिए हमारे मोमोज तले जा रहे हैं, और इधर रखे हैं बिना तले हुए, और ये मैंने बनाई है चटनी मोमोज की। और अंदर देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं बेट, और बच्चों के लिए बनाई है ये मीठी चटनी। लड्डू खा रहा हूँ। क्या खा रहा है? लड्डू खा लिया? चलो बढ़िया है। अच्छा भाई भी खा लिया, आप भी खा लिया ऐसे करके? अरे मेरा बच्चा। अच्छा और अभी क्या खाने वाला है तू? चटनी, सिर्फ चटनी? मोमोज नहीं खाएगा? मोमोज चटनी। अच्छा मोमोज और चटनी। अच्छा तो चलो गरम खा लेगा। तो चलो मैं मोमोज ला रही हूँ अभी फिलहाल रेडी करके, बहुत जल्दी से हो चुके। तो दोस्तों अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय। नींद नहीं बेटी, खाना खा के सोना ठीक है।